हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो तलाश कर रहे हैं बी फार्मा लेटरल एंट्री से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर बी फार्मा लेटरल एंट्री क्या होता है, और अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में या तो गुरुग्राम में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर बी फार्मा लेटरल एंट्री क्या होता है, कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, और पर्सनली मैं आपको कुछ कॉलेज सजेस्ट करूंगा और आपको व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, अपने गाइडेंस में आपको एडमिशन भी करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि बी फार्मा लेटरल एंट्री आखिर होता क्या है। देखिएगा, बी फार्मा लेटरल एंट्री ना पूरे 3 ईयर का कोर्स होता है। क्या 3 ईयर का कोर्स होता है? ये कब आप लोग कर सकते हैं? जब आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर पूरा हो गया होगा, डी फार्मा जब कंप्लीट हो जाता है 2 ईयर का कोर्स, इसके बाद से आप लोग अगर हायर स्टडी में जाना चाहते हैं तो आप लोग बी फार्मा कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बी फार्म लेटरल एंट्री। अब देखिए, कई जगह जो है गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, कई जगह प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज CUET के थ्रू भी हैं, 2-3 कॉलेज थे जो कि CUET के अंदर एडमिशन लेते थे। इवन हमारे डिप्सार में भी है लेटरल एंट्री, बट डिप्सार में ना ओनली 15 सीट हैं, तो डिप्सार के स्टूडेंट्स को जाता है, आउटसाइड को 1 से 2 सीट मिलती है। तो कंपटीशन बहुत है इसमें, कहने का मतलब है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो। अब बात यहाँ पर ये आती है कि प्राइवेट कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि प्राइवेट कॉलेज में ना अलग अलग प्राइवेट कॉलेज हैं, अलग अलग फीस रखते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे नज़र में जितने भी कॉलेजेस हैं, मेरे नज़र में जो भी कॉलेज हैं वो 70 से लेकर के 80,000 पर ईयर फीस के हैं, ठीक है, पर ईयर। अगर आप थोड़ा और हायर में जाते हो तो 90K भी हैं पर ईयर। ओके, 90K भी हैं पर ईयर। अगर आप लोग थोड़े फाइनेंशियल वीक हो, ओके, मतलब बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है, आप लोग ऐसे किसी कॉलेज में जाना चाहते हो, तो मिनिमम जो है वो 65,000 रुपये पर ईयर में है, ठीक है, 65,000 पर ईयर में जो है आप लोग बी फार्मा लेटरल एंट्री एडमिशन ले सकते हो। अब ये क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग की डिमांड करते हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। अब देखो, आपको क्या करना होगा, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं बी फार्म लेटरल एंट्री में या तो डी फार्म, कौन कौन सा कोर्स, बी फार्म लेटरल एंट्री या तो डी फार्म कोर्स, ठीक है, इन दोनों कोर्स के लिए आप में से जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, तो सिंपली आपको एक स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, ये मेरा ही नंबर है, आप लोग सिंपली इसे एक व्हाट्सएप मैसेज करना। व्हाट्सएप मैसेज में क्या करना, आप लोग हाय लिखना, ओके, उसके बाद से आप लोग ये लिखना कि आप लोग किस कोर्स में एडमिशन चाहते हो, लाइक बी फार्म लेटरल एंट्री या तो डी फार्म, ओके, या तो डी फार्म। उसके बाद से आप लोग अपने नेम लिखोगे, साथ ही साथ आप लोग अपने परसेंटेज बताओगे, डिप्लोमा के भी और 12th के भी। उसके बाद जो मैं आपको रिप्लाई करूँगा और मैं आपको एक कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कराऊँगा जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जहाँ पे अभी भी जो कॉलेज में एडमिशन जो है स्टार्ट है। देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉलेज की लिस्ट मेरे पास ना हो, तो मैं आपको कुछ सर के नंबर रेकमेंड कर सकता हूँ जो कि कॉलेज का एडमिशन देखते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, सिंपली मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल कोई नहीं करेगा, ओके, कॉल कोई नहीं करेगा, जो मैं नंबर दिया हूँ सिंपली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, फिर मैं आपको फर्दर प्रोसीजर बता दूंगा। तो जो भी ऐसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो कि बी फार्म लेटरल एंट्री में या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोग ये नंबर जो दिया गया व्हाट्सएप पे उस पर लिख देना अपने मैसेज, जो भी आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखो, रिप्लाई मिलने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, जो भी रिप्लाई मिलेगा ना आपको वो 4 बजे से लेकर के और 6 या 7 बजे के बीच में मिलेगा, शाम के टाइम में, ओके, तो आप थोड़ा पेशेंस रखना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, ओके, फ़ोन आप लोग मत करना, आपको मैसेज के थ्रू सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो आप लोग प्लीज़ इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाकी कोई अगर आपकी क्वेरीज होती है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ करके पूछ सकते हैं, ओके। चलो, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।